नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, एबी डिविलियर के संन्यास पर विराट कोहली का आई लव यू वाला ट्वीट दिल जीत लेगा, टीम इंडिया के कप्तान का भावुक मैसेज। साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज में शुमार एबी डिविलियर ने शुक्रवार को सभी को हैरान करते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट तो 2018 में ही छोड़ दिया था, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट फिर भी खेल रहे थे। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए वो नजर आ रहे थे। शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल से करने के बाद डिविलियर्स चौथे सीजन के बाद आरसीबी में आ गए थे। तब से विराट कोहली और उनकी दोस्ती शुरू हुई। इस दोस्ती की क्रिकेट जगत में मिसाल दी जाती है और इसकी वानगी आज फिर देखने को मिली है। डिविलियर्स ने आज जब अपने संन्यास का ऐलान किया तो कोहली अपना भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपने खास दोस्त को भावुक संदेश भेजा। कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका दिल दुखी है, लेकिन डिविलियर्स ने खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए सही फैसला लिया है। कोहली ने ट्वीट करते हुए लिखा, इससे मेरा दिल दुखी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने अपने और अपने परिवार के लिए हमेशा की तरह सही फैसला लिया है। आई लव यू। अपने दोस्त का ये संदेश देखकर डिविलियर्स ने भी जवाब देते हुए लिखा, लव यू टू मेरे भाई। कोहली ने एक और ट्वीट करते हुए डिविलियर्स को अपने समय का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। उन्होंने लिखा, हमारे समय का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, मैं जितने लोगों से मिला हूं उनमें से सबसे प्रेरणादायी इंसान। आपने जो किया और आरसीबी को जो दिया है, आप उस पर गर्व कर सकते हो। हमारी दोस्ती इस खेल से आगे है और हमेशा रहेगी। इन दोनों को मौजूदा समय के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर आरसीबी को कई मैच जिताए हैं, लेकिन एक मलाल दोनों को जरूर रहेगा कि ये जोड़ी एक भी आईपीएल नहीं जीत पाई। इन दोनों की बल्लेबाजी का कहर गेंदबाजों पर जमकर टूटा है। इन दोनों के नाम आईपीएल में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। कोहली और डिविलियर्स ने गुजरात लॉयंस के खिलाफ 14 मई 2016 को बेंगलुरु में 229 रनों की साझेदारी की थी। यह आईपीएल इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। कोहली ने इस मैच में 55 गेंदों पर चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 109 रन बनाए थे। वहीं डिविलियर्स ने नाबाद 129 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 52 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 12 छक्के मारे गए थे। इस जोड़ी ने इससे पहले 2015 में भी दोहरी शतकीय साझेदारी की थी। 10 मई 2015 को खेले गए मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट खोकर 235 रन बनाए थे। इस मैच में इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 215 रन जोड़े थे। विराट कोहली के बल्ले से निकले थे 82 रन। इतने रन बनाने के लिए कोहली ने 50 गेंदों का सामना किया था और 6 चौके के अलावा 4 छक्के मारे थे, लेकिन असली गदर मचाया था डिविलियर्स ने। उन्होंने 59 गेंदों पर 19 चौके और 4 छक्कों की मदद से 133 रनों की पारी खेली थी। यह डिविलियर्स का आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर भी है। तो आज जब एबी डिविलियर्स ने संन्यास की घोषणा की तो सभी हैरान रह गए, लेकिन सभी को पता है एबी डिविलियर्स ने अपनी लाइफ में जितने भी फैसले लिए हैं वो उनकी फैमिली को देख कर ही लिए जाते हैं, और इसी वजह से एबी डिविलियर्स के इस फैसले को सभी सही कह रहे हैं और विराट कोहली का भी भावुक मैसेज आया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।